आज मैं बात करने वाला हूँ कि इस वाले पैटर्न को कैसे सोल्व किया जाता है। अपन ने ऐसे पैटर्न देख चुके हैं, लेकिन उसमें क्या होता था कि अपन काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट इस बार क्या, कॉलम वाइज वैल्यू बढ़ रही है। तो कॉलम वाइज वैल्यू को बढ़ रही है तो इसका एक कॉन्सेप्ट तो होगा ना। तो पहले तो हम बेस मॉडल देखते हैं। बेस मॉडल वही है जो अपन करते आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे स्टार पैटर्न करते हैं वो का वही है। तो ये आपका जे हो गया, ये आपका आई हो गया। इसमें कितने रो, 1 2 3 4 5 रो है। इसके अंदर बता सकते हो कितनी है, 1 से 1 1 से 2, 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 5 आइटम। तो 3 4 5, यानी कि लूप तो वही चल रहे हैं, लूप तो वही चल रहे। तो लिख दो भाई, एंड आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक, एंड देन आई प्लस प्लस, राइट। इसके साथ एंड जे इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, आई तक जा रहा है, देन जे प्लस प्लस, राइट। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, मैंने 1 से आई तक कर दिया, क्योंकि 1 2 3 4 है तो आई तक जाएगा। अब देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ 1 है 1 2 3 4 5 मैच कर रहा है, यानी एक्चुअली क्या प्रिंट हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है। यहाँ अगर एस ओ पी आई लिख दूंगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 4 4 5 5 एंड 5 5 5 5। तो ऐसा नहीं करना है, अपन को वैल्यू भी इंक्रीमेंट करते हुए जाना है कुछ लॉजिक लगा के। पहले ये बताओ इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें 4 का 4 का 4 का 4 का, तो इधर 4 का डिफरेंस है, इधर 3 का 3 का 3 का, इधर 2 का 2 का, ठीक है, इधर 1 का। डिक्रीमेंट होता जा रहा है सब्ट्रैक्शन में, समझ पा रहे हो, इन दोनों के अंतर में डिक्रीमेंट होता जा रहा है, यानी कुछ चीज़ घटेगी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, अगर इस लूप के जस्ट बाद में अगर मैं कुछ वेरिएबल ले लूँ इंट है, और उसकी वैल्यू आई की जो वैल्यू बनेगी वो ए के अंदर डाल दूँ, और सपोज करो इसको प्रिंट करा दूँ ए को, आई की वैल्यू 1 इस ए में जाएगी, और जे इक्वल टू 1 टाइम चलेगा तो ए, तो यहाँ पर 1 आ चुका है, ठीक है। अब 2 के लिए चलेगा तो 2, ए की वैल्यू 2, और यहाँ पर 2 तक चलेगा, यानी 2 स्टेप चलेगा, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पर, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ 6 कैसे लेके आए यार, 6 कैसे लेके आऊँ, ये सोच में नहीं आ पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि मेरे ए के अंदर अगर मैं ए को ऐड कर दूँ साथ के साथ, यहाँ पे कितने हैं रोज़, 5 है, तो उसमें 5 ऐड कर दूँ तो कितना होगा ये बताओ मुझे। यहाँ पे 2 था, 2 पे आ गए थे ना अपन, तो 2 प्लस 5 7, लेकिन आ रहा क्या है यहाँ 6। क्यों ना मैं जे को डिलीट कर दूँ एक टाइम में, तो यहाँ पर यह करता हूँ मैं जे को एक साथ। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला कोड मेरा बना है। अब ये कैसे बना है ये ध्यान से सुनना। अब 2 के केस में देखो, यहाँ पर आई इक्वल टू 2 पर 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, जे इक्वल टू 1 पे चलेगा, इसकी वैल्यू 2 हो गई, डेट्स इट। बट इसमें 6 है, दूसरा लूप चलेगा, यानी जे इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा। तो देखो ये कैसे चलेगा 2 के लिए, ये कितनी वैल्यू है इसकी, 2 2 प्लस 5 7 7 माइनस 2, कितना होता है 5 5 प्लस 1 6 होता है नहीं होता। तो यहाँ पर वैल्यू ए की वैल्यू क्या आ गई इस बार 6, तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। आई इक्वल टू 3 के लिए 3, पहली वैल्यू 3, यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जे इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, ठीक है। तो देखो 3 प्लस 5 8 8 माइनस 2 6 6 प्लस 1 7, आंसर आ गए। 10 के लिए बताओ कैसे, 7 आंसर आ गया। तो अब क्या है, जे के लूप में चल रहे ना अपन, तो 7 की वैल्यू इस बार यहाँ पर आ गई, 7 प्लस 5 माइनस j की वैल्यू इस बार 3, तो 7 12 12 माइनस 3 9 9 प्लस 1 10 तो 10। इसी प्रकार से ये पूरा होता हुआ जाएगा, 4 के लिए आएगा फिर ये वैल्यू। तो इस प्रकार का लॉजिक अपन को ऐड करना पड़ता है। पहले मैंने क्या गलती करी थी, यहाँ पे 1 ऐड नहीं करा तो 1 की कमी आ रही थी, तो यहाँ पर 1 ऐड करके मैंने देख लिया। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सिंपली एलएन आ जाएगा आपका, देन ये आपका ब्रैकेट क्लोज। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी था, बट एट द एंड अपन ने कर दिखाया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।